फ्रेंड, एकता लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सांभर मसाला की रेसिपी। इसको घर में बहुत ही अपने घरेलू सामानों के साथ बहुत ही अच्छा मसाला तैयार किया जा सकता है। तो इसके लिए जो हमें सामान की ज़रूरत पड़ेगी उसको बता देते हैं। ये कुछ खड़े मसाले हैं, ये 15-20 लाल मिर्च हैं, सूखी लाल मिर्च, इसको हमने घर पर ही सुखाई है। और ये तेज पत्ता है 10-15 के करीब। ये उड़द की धुली हुई दाल है रेडीमेड। ये चने की दाल है, ये बाद में मिक्सी में पीसने के लिए नमक और लाल मिर्च है। इसके अलावा हमने 8-10 इलायची, 10-15 लौंग और 20 के करीब काली मिर्च ली हैं। एक कटोरी सौंफ ली है, आधी कटोरी जीरा लिया है, ये राई के दाने, ये काश्मीरी लाल मिर्च, इसको हम कलर के लिए यूज करेंगे, और ये हल्दी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, तो इसमें सबसे पहले खड़े मसाले, ये सूखी लाल मिर्च, ये तेज पत्ता, सबसे पहले इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। इसको हमें हल्का ही रोस्ट करना है, तो इसको निकाल देंगे। हमने दाल ली है, इन दोनों दालों को यहाँ डाल देंगे और इसको मीडियम हाई फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे। इसको भी हमें हल्का ही रोस्ट करना है, ज्यादा नहीं भूनना है। ये देखिए फ्रेंड, ये हल्के से ब्राउन हो गए हैं, जब थोड़ा सा ये भुन जाए तो इन्हीं में जो हमने खड़े मसाले लिए हैं, काली मिर्च, लौंग और इलायची, इनको भी डाल देते हैं साथ में। और ये जीरा लिया है, ये भी डाल देते हैं। और यहीं पे हम ये सौंफ को भी डाल देंगे और इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। मसाले से चटकने की आवाज आने लगी है, बस इसको 1 मिनट और फ्राई करेंगे और हमारा मसाला रेडी। ये देखिए हमारा मसाला बनके तैयार है। इसी स्टेज पे हम ये राई के दाने भी डाल देते हैं और बस गैस को ऑफ कर देते हैं। देखिए चटकने की आवाज आने लगी, आप अच्छी तरह देख सकते हैं। बस इस तरह फ्रेंड हमारा 2 मिनट से 3 मिनट में अंदर ये मसाला घर पे ही रेडी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी मसाला तैयार होता है। तो आप इसे एक बार घर पे जरूर ट्राई करें, और अगर आपको उसी सांभर मसाला बनाने की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए इसे हम इसी थाली में निकाल देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। 2 मिनट बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। अब इसी में हम 1 टीस्पून नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च और ये कश्मीरी मसाला जो रंग के लिए, और ये 2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो मसाला पीस के दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने बिल्कुल फाइन पाउडर
पीस के तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा मसाला बनके तैयार हुआ है और ये हमारे लिए कम से कम 10-15 दिन के लिए आराम से हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसी तरह आप भी घर पे मसाला रेडी करिए, और अगर आपको ये मसाला बनाने की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा मसाला तैयार है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।